खरगोन मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रकरणों के आसानी से निपटारे के लिए 7 अखंड पीठों का गठन किया गया था, जिन पर 7,586 प्रकरण निपटारे के लिए रखे गए थे। अदालत की शुरुआत सुबह 10:30 बजे जिला न्यायाधीश जी सी मिश्रा सहित अन्य न्यायाधीशों ने की। न्यायाधीश मिश्रा ने बताया, न्यायालयों में लंबित 278 नियमित प्रकरणों के अलावा प्रीलिटिगेशन के 7,586 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे, जिनमें करीब 150 नियमित एवं 2000 से अधिक प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का आपसी रजामंदी से निपटारा किया गया। इनके अलावा नगरपालिका, बैंकों, विद्युत और दूरसंचार के प्रकरणों में भी निपटारे हुए हैं। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। खंडपीठ के सभी सदस्यगण अपने अपने खंडपीठों में बैठ के मामलों की सुनवाई करेंगे और मैं आग्रह करता हूँ आज की आप सभी के सहयोग से लोक अदालत बहुत सफल रहे। सभी जो निर्धारित दायित्व है, मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य शुक्ला जी हैं, SDOP खरगोन नगर, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वो सुरक्षा व्यवस्था पहले भी उनके नेतृत्व में चाक चौबंद रखती है, एक बार और समीक्षा कर लेंगे। इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत आज आयोजित की गई। जैसा सम्माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश डी के नागले साहब का मार्गदर्शन था, उस हिसाब से सारे प्रकरण सुनवाई में लिए गए। 7 खंडपीठों में आज कुल सुनवाई हुई और 7,000 प्रीलिटिगेशन के प्रकरण रेफर किए गए थे, जिनमें से लगभग 897 प्रकरण अभी तक निपट चुके हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं 1,000 के आसपास केस निपटने की संभावना है। इसी तरह रेगुलर केसेज में आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।